नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और दिनेश कुमार जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और जोरदार तालियों से एक बार फिर उनका स्वागत होगा। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद के जीवन पर नजर डालते हैं, उनके पूरे जीवन पर एक नजर कि किस तरह उनकी जिंदगी का सफर आगे बढ़ा, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बने और अवेकनिंग इंडिया का ये सपना उन्होंने दुनिया के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य को जानने का प्रयत्न करते, बिना जांचे वे कुछ भी स्वीकार न करते। वे स्वयं सदैव सत्यवादी रहे और सत्य की ही शिक्षा देते रहे। उन्होंने सीखा था कि जब तक हम अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते, तब तक हम उनसे बच नहीं सकते। सर्वत्र एवं सर्वदा उन्होंने साहस का ही प्रचार किया। भारत में अपने भ्रमण के दौरान लोगों की अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखित हुए। भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की अवहेलना था, ये समझने और डंके की चोट पर कहने वाले पहले धार्मिक नेता थे। हमारी पहली कोशिश भूखे करोड़ों को भोजन और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास भरना। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवनदायी संदेश दिया है। उनके संदेशानुसार आप सब में दैवी शक्ति निहित है। अपनी अनंत संभावनाओं, अनंत शक्तियों में विश्वास रखो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। हम सब में देवीय शक्ति मौजूद है। आपने भी पिछले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में इस पर अपने विचार रखे थे और बताया था कि हम सब के अंदर कितनी शक्ति मौजूद है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सके। क्या, जैसा मैंने आज कहा कि क्या इच्छा शक्ति के विकास के लिए कोई तकनीक भी है, कोई टेक्निक भी है जिससे हम अपने अंदर उसको पैदा कर पाएँ या उसको मजबूत कर पाएँ? ऋषियों ने अपने बहुत लंबे काल के अनुसंधान से एक जन सामान्य के लिए एक प्रक्रिया का निर्माण किया था, जिस कक्षा का आयोजन प्रत्येक घर में होता था उस कक्षा का नाम था उपासना, साधना, आराधना। उपासना उप और आसन, अर्थात छोटा आसन लेकर के पास बैठना, जैसे उप कुलपति, उप राष्ट्रपति आदि। किसके सामने छोटा आसन लेकर बैठना, इस विषय पर आते हैं। दूसरा विषय था साधना और तीसरा आराधना। उपासना, साधना, आराधना के समय के साथ साथ मर्म खो से गए और बची क्या, बस मात्र कुछ थोड़ी सी पूजा उपचार की विधियां और ईश्वर के सामने उसका राजकुमार मात्र गिड़गड़ाने के अतिरिक्त और कुछ ना बचा। कर्म कांडों से निकल नहीं पाए, अपनी छोटी छोटी मनोहार मनाने के लिए ईश्वर के सामने गिड़गड़ाने के अतिरिक्त और बचा नहीं, जबकि वो कक्षा ऐसी कक्षा थी जिसके माध्यम से बड़े बड़े महान व्यक्तित्व गढ़े जाते थे। इट वॉज अ क्लासरूम ऑफ स्कल्पचरिंग, मनुष्य के लिए आत्म परिष्कार और आत्मनिर्वाण, आत्म पर विस्तार की बहुत बड़ी कक्षा थी। यह आशा की जाती थी कि मनुष्य के घर में और कोई स्थान है नहीं है, 2 फुट बाय 3 फुट का स्थान होना चाहिए। वो किसके लिए, एक अकेला कोना और एक आप, कभी साझा तो होके देखिए। मनुष्य दुनिया के साथ बहुत खुल लेता है, अपने साथ साझा नहीं हो पाता है। तो आशा की जाती थी कि घर में एक ऐसा कोना हो जहां आप अकेले अपने आप से रूबरू हो सके। उपासना की पद्धति में जीव को कुछ देर बैठना होता था, कुछ देर, 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर बैठ सके, और बैठ करके मौन को प्राप्त होना। बहुत बतियाने के अभ्यस्त हो गए हैं, खुली आंखों से जीवन जीते जीते बतियाने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि मौन से भय लगता है, पता नहीं कोई आ ना जाए, जबकि उसी मौन में वो संभावनाएं जागृत होती हैं जो हमारे भीतर अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में अवस्थित हैं। उपासना काल में आशा की जाती थी कि व्यक्ति हाथ नीचे रख करके शांत चित्त बैठ करके प्रकाश की धारणा करेगा। एक कल्पना के माध्यम से उदय किया जाता था ये गीत। ध्यान रहे, कोई भी वैज्ञानिक जो आज तक किसी भी आविष्कार को संभव करा पाया उसका जन्म कल्पना में ही होता है, और कल्पना की ही पुनरावृत्ति आने वाले समय में यथार्थ को जन्म देती है। साक्षात्कार की विधि और कोई नहीं है, उसी कल्पना को प्रकाश रूप में भीतर अवधारणा लाना और भीतर एक प्रकार से प्रकाशित अनुभव करना। इस पूरे मस्तिष्क संयंत्र में से ऐसे रसों का स्राव होता है कि मनुष्य जागृत होता है, सकारात्मक होता है, उसके भीतर के जितने न्यूरॉन्स विकसित होने आरंभ हो जाते हैं।
ये विधियां पूर्ण वैज्ञानिक हैं। उपासना पद्धति जिसने 10 मिनट की भी रख ली वो व्यक्ति अकेला नहीं है। उपासना पद्धति से जो व्यक्ति जुड़ गया वो कभी भी अपने भीतर रिक्तता को अनुभव नहीं करेगा। उपासना पद्धति से जुड़ गया वो व्यक्ति प्रतिदिन परिमार्जन कर पाएगा, धुल जाएगा। जो बार बार हम अपनी न्यूनताओं की दुहाई देते हैं कि परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, जो उपासना के साथ गुत गया एक प्रकार से ऐसे ब्रॉडबैंड से जुड़ गया जहां से अनवरत रूप से उसके भीतर प्रसारण अवतरित होता रहेगा। दूसरा शब्द है साधना। उपासना किसकी? उस ईश्वर की। ईश्वर कौन? ईश्वर ईश शब्द से बना है। ईश माने अनुशासन, डिसिप्लिन। जो संपूर्ण डिसिप्लिन को वर्ण करे वही ईश्वर है और जिसमें सारे अनुशासन समाहित हैं उसी का हम ध्यान करते हैं प्रकाश के रूप में कि आइए और भीतर के अंधकार को दूर करिए। और प्रकाश को जब मनुष्य प्राप्त करता है तो अनेकों प्रकार की अपने ही मनुष्य को बुराइयां दिखती हैं, दोष दिखते हैं। जब उन्हें सुधारने के लिए व्यक्ति आरूढ़ होता है उसे कहा जाता है साधना। उपासना किसकी? ईश्वर की। साधना किसकी? अपनी। और आराधना? आराधना की जाती है ईश्वर के विराट रूप की। विराट रूप कौन? जिसे समर्पित हो गया विवेकानंद का पूरा जीवन, जन जन को समर्पित हो गया, जीवन भर आराधना करते रहे, उपासना गुरु के काल में साथ में की, उसके बाद साधना के लिए भी बहुत भ्रमण हुआ लेकिन आराधना में संपूर्ण जीवन चला गया। तो ध्यान रखना है ये ऋषियों की उस कक्षा का जो आत्मनिर्माण के लिए सबसे बड़ा सूत्र है, उपासना ईश्वर की, साधना अपनी, आराधना उसके विराट रूप की। जब मनुष्य के जीवन में उपासना, साधना, आराधना का समाहन हो जाता है तो निश्चित रूप से उत्तरोत्तर प्रगति होती है। बाहर से किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती, भीतर ही स्वगुरु का जन्म होता है। व्यक्ति अपने आप को आड़े हाथों लेना शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को आड़े हाथों लेना शुरू हो जाए समझ लेना सिद्ध होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये कक्षा चली गई, आशा है कि हर घर में बेडरूम कितने, ड्राइंग रूम कितने, इसकी चिंता के साथ साथ एक चिंता और अब जन्म लेनी चाहिए। 2 फुट बाई 3 फुट का वो कक्ष जहां एक अकेला और एक अकेले कोने में मैं अपने आप को साझा कर सकूं, मैं प्रकाश का अवतरण कर सकूं, अपने लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकूं और अपने परिष्कृत व्यक्तित्व से उस लोक सेवा के लिए समर्पित हो सकूं, तो ऋषियों का वो स्वप्न, वो सुनहरी संस्कृति का अवतरण समय नहीं है कि वो बहुत लंबे समय बाद आए, 20 साल में भी आ सकते। लेकिन दिनेश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि उपासना, साधना, आराधना, इसको जिस तरह से समझा गया, मतलब लोगों को लगता है कि कर्मकांडों में कोई बुराई नहीं है अगर वो भी ईश्वर के पास आपको ले जा रहे हैं, लेकिन अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना या कर्मकांडों तक सीमित रह जाना, यही उपासना के मायने हो। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उपासना, साधना, आराधना, इनके मायने भी समझाएं कि ये है क्या असलियत में, कैसे किया जाए, क्या वो जैसे आप जिस पाठ्यक्रम की आप बात कर रहे हैं क्या वो सबने अपने अपने लिए तय कर रखा है, वो ठीक है, उसे रेगुलर करते रहें या वो भी पाठ्यक्रम तय होना चाहिए सबके लिए। सबसे आवश्यक है कि मनुष्य का अपने साथ एकांत में बैठना, घर वाले ही नहीं बैठने देते। आज आप उदास दिख रहे हैं, कोई तो कुछ बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया क्या, ऐसे प्रश्न अनेकों प्रकार के आते हैं। डॉक्टर को दिखाएं क्या, आज आप चुप चुप हैं, मौन क्यों हैं, सबके बीच बैठते क्यों नहीं? क्योंकि शोर में संस्कृति इतनी प्रवीण हो गई है कि एकांत और मौन भाता नहीं है। तो सबसे सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि एकांत में कम से कम कुछ समय बैठे। निश्चित रूप से बैठेगा तो दिमाग भागेगा, अभ्यस्त है, उसे दौड़ना आता है, बैठना आता नहीं है। उस भागते हुए भूत को बिठाने के लिए किसी अच्छे सदग्रंथ की, क्यों नहीं हम स्वामी विवेकानंद जी का गॉस्पेल और स्वामी रामकृष्ण, रामकृष्ण वचनामृत अथवा इनके द्वारा लिखे गए इतनी सुंदर पुस्तकें हैं, ऐसे महान योगियों की लिखी हुई किसी एक पुस्तक के साथ रिश्ता जड़ लें। क्योंकि इनके शब्द जब किसी कागज पर अंकित होते हैं, इनकी आत्मा का अंश इनके अक्षरों के माध्यम से कागज पर आता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य का भाव अगर कोई योगी भाव है और कागज पर लिख दिया तो कागज पर उसके प्राण प्रतिष्ठा हो गई और प्राण प्रतिष्ठित कागज से किसी दूसरे व्यक्ति को भी अनुप्राणित किया जा सकता है, ये बात हमारे यहाँ सिद्ध होती है। मित्रों, कुछ देर बैठने के लिए, अपने आप को बांधने के लिए, कौतुक के अधीन ग्रस्त इस मन को रोकने के लिए कोई सुंदर पुस्तक, आदमी इतना ही संकल्प ले सकता है कि मैं एक पृष्ठ तो नहीं पढ़ सकता, एक पैराग्राफ ही सही, एक पैराग्राफ पढ़ करके अगर बत्ती अच्छी लगती है जला ले व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाहरी सारे आयाम अगर मनुष्य को भीतर ना धकेल सकें, बाहर बांध दें तो बेकार हो जाते हैं।
10 मिनट 15 मिनट का अभ्यास। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उपासना कितनी होनी चाहिए, जितनी आयु उतने मिनट। अगर 50 वर्ष की आयु तो 50 मिनट उपासना होनी चाहिए। संभव नहीं है तो आधा करो बाबा, नहीं संभव है तो चौथाई करो। अरे 10 मिनट तो कर ही डालो ना, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। अनेकों प्रकार की समस्याएं जो आपके जीवन की हैं, आपके कैरियर की, आपके व्यवसाय की, जब आप उस एकांत में उन नीरवता को प्राप्त होंगे, विचार शून्य होंगे, तो कहीं से क्रिएटिविटी आप में अवतरित होगी। अलाउ द क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट इन टू यू, क्रिएट अ वैक्यूम। वैक्यूम ही तो नहीं बनाते हैं, ये उपासना है। अनेकों प्रकार के रचनात्मक विचारों को अवतरित करा पाने की प्रक्रिया का नाम उपासना है। उपासना कोई पूजा उपचार नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, ईश्वर को प्रसन्न करने की विधा नहीं है, ईश्वर की क्षमताओं को आत्मसात करने की विधा का नाम उपासना है। और जब व्यक्ति की दृष्टि खुलती है तो वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को तत्काल उसी वक्त उसे बोध होता है, ये मुझसे ठीक नहीं हुआ, ये साधना आरंभ हो गई। जब अपनी छोटी छोटी भूल का भीतर आभास होना शुरू हो जाए, उसके लिए व्यक्ति अपने भीतर वकील को जन्म नहीं दे, क्योंकि मनुष्य में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रखर है तो वकील है। वकील हजार बहाने घड़ करके भी ईश्वर को परास्त करने में भी बुद्धि दक्ष है। जब व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं जागृत हो तो समझ लो साधना आरंभ हो गई। और जब अपने से उतर करके आगे उस 100 गज के प्लॉट या 4 बेडरूम के फ्लैट से निकल करके जब किसी और के प्रति भी वेदना जागृत हो तो आराधना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। लेकिन आरंभ उपासना से है। अगर व्यक्ति उपासना के बिना आराधना पर कूदने की कोशिश करता है तो तथाकथित लोकसेवी बनता है, और तथाकथित लोकसेवी से ना अपना कल्याण ना किसी और का। शुरुआत प्राइमरी से करनी होगी, और प्राइमरी उपासना है। जब पढ़ाई करते हैं तो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो ये लगता है कि हाँ जो पढ़ाई की वो ठीक ठीक की है, यानी सही रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जब साधना उपासना आराधना इस रास्ते पर निकले हैं तो एग्ज़ाम कैसे होगी, पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। सवाल सबके मन में आ रहा है, कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा है, सभी के मन में आ रहा है। तो ये सवाल मैं सबकी तरफ से आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस सवाल के जवाब को हम सुनेंगे दिनेश जी से। लेकिन हमेशा जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हम स्वामी विवेकानंद का एक सशक्त विचार आपके सामने रखते हैं, इस विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया जारी। यथार्थ अनुसंधान किए बिना कोई बात बिल्कुल अस्वीकार कर देना सत्य प्रिय वैज्ञानिक मन का परिचय नहीं देता। दूरदर्शन एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद पेश कर रहा है बेहतरीन क्वालिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर, कार्स और टीवी सेट्स पर दूरदर्शन के चैनल्स का डिजिटल क्वालिटी में लुत्फ उठा सकते हैं। DVB-T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर ई मार्केट पर कई प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है। DVB-T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें DD नेशनल, DD न्यूज, DD भारती, DD स्पोर्ट्स और DD किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। देश के 16 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.ddindia.gov.in। सरकार की कोशिश, घर घर हो DD फ्री डिश। मनोरंजन की दुनिया में धमाल, बिना किसी मासिक भुगतान के बिल्कुल फ्री। फैमिली एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज, जिसमें है 80 टीवी चैनल्स, न्यूज व्यूज, सीरियल्स, म्यूजिक, फिल्म्स, स्पोर्ट्स के साथ साथ मौजूद हैं 40 रेडियो चैनल्स। DD फ्री डिश, आपके सपनों का डिश। और एक बार फिर अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा विचार था वो, और हमारी बातचीत से बिल्कुल मिल रहा है। यथार्थ अनुसंधान, हो सकता है मेरे मन में या इधर जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके मन में सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने यथार्थ अनुसंधान अभी नहीं किया।
अभी सिर्फ सवालों में लगे हुए हैं, या सिर्फ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये क्या है साधना, अभी सब कुछ सारा ज्ञान जान लेना चाहते हैं कि इसका फाइनली क्या निचोड़ निकल कर आने वाला है। लेकिन मान लीजिए सब लोग इस पथ पर निकलते हैं साधना आराधना उपासना के, तो वो सही ट्रैक पर चल रहे हैं ये कैसे पता लगेगा, उनमें क्या परिवर्तन महसूस होंगे, उनकी क्या दिशा होगी? सबसे पहला अगर कोई मानक है, अगर किसी प्रकार की विधि है जिसके द्वारा जाना जाए कि मनुष्य की साधना उचित मार्ग की ओर है कि नहीं, उसका एक ही चिन्ह है, एक ही प्रतीक है कि मनुष्य ने आत्मदर्शन कितने अंशों में आरंभ कर दिया। मनुष्य को जब दूसरों के छिद्रन्वेषण में ही रस आता है, मनुष्य जब बाहर की परिस्थितियां, बाहर के लोगों पर ही शिकायत करना उसका अभ्यास बना रहता है, तब तक ये जानना चाहिए कि आत्म उत्कर्ष अभी नहीं हुआ। जब सारी दृष्टियां अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएं, मनुष्य अपनी विवेचना करना आरंभ कर दे कि तू कितने पानी में है, जब ये जानना शुरू कर दे तो मानना चाहिए कि साधना फलनी आरंभ हो गई है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो थोड़ा गुस्सा भी रहे होंगे मुझसे कि सारे सवाल मैं ही पूछ डालूंगा तो बात कैसे बनेगी, अपना सवाल पूछें। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी की बात हुई थी बीच में, तो अपॉर्चुनिटी यूथ को मिलती है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। अब मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए, आज से कुछ महीने पहले मेरा एक दोस्त रहा था जो एक कट्टर सपोर्टर था कि हाँ वी हैव टू रूट आउट करप्शन एट ऑल लेवल्स, राइट। और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिली वो सिस्टम के उसी पार्ट का हिस्सा हो गया जहाँ पर कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा। वो कह रहा है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं यहाँ से निकाल दिया जाऊँगा और मेरी कई की हुई सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसका क्या, इस पूरी पृथ्वी पर चाहे कोई राष्ट्र क्यों ना हो, परिस्थितियाँ कितनी भी कलुषित क्यों ना रही हों, विभीषिकाएँ कितनी भी ऊँची क्यों ना रही हों, ऐसे में दुस्साहसियों ने अपने चरित्र के प्रदर्शन से बहुत सुंदर मापदंड स्थापित किए हैं। क्या भारत में ऐसे लोग नहीं हैं? भारत में ऐसे लोग हैं जो अनाचार अथवा भ्रष्टाचार का प्रतिकार करते हुए प्राणों की आहुति भी दे जाते हैं। मान लीजिए किसी में उतनी क्षमता नहीं भी है लेकिन चीतकार है कि श्रेष्ठ और न्यायोचित होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर ऋषियों ने कहा है जब परिस्थितियों का कद तुमसे ऊपर हो, भले विपरीत हो, तो मौन मूर्ख बनना आरंभ कर दो। क्यों? क्योंकि मौन मूर्ख एक बहुत बड़ी सिद्धि है, क्योंकि मूर्ख के बस का मौन रहना होता नहीं, और अगर व्यक्ति मौन है, मूर्खता की प्रतीति दे रहा है, तो वो सिद्ध है। और मौन मूर्ख कौन है? अर्थात मैं समर्थन में नहीं हूं, बोल नहीं सकता हूं, प्रतिकार करने की भले ही आज मुझ में क्षमता ना हो, लेकिन मेरे भीतर का मैं अभी मरा नहीं है, मैं तटस्थ हूं, अलग हूं। जब परिस्थिति ऐसी आएगी कि मैं सुधर सकूं, बदल जाऊं, ध्वजाधारक बन जाऊं, तो तब मैं उसके लिए भी हूक भरूंगा। समस्या तब आती है जब हम तटस्थ नहीं रहते ऐसी परिस्थितियों में और कहीं मझधार में ही खो जाते हैं। पहला प्रयास विवेकानंद बन करके आहूत होने को तत्पर रहो, नहीं कर सकते, नहीं उतना आज स्वरूप जागृत जाज्वल्यमान स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए, तो कम से कम मौन मूर्ख तो बन सकते हो, उस समय की तो प्रतीक्षा कर सकते हो कि जब सूर्य आएगा परिस्थितियां मेरे अनुकूल होंगी। जिस व्यक्ति में ये वेदना है, आज नहीं अनेकों वर्षों से मैंने अनेकों लोगों के अनुभव लिए हैं कि हमें ऐसी परिस्थितियों में जीना पड़ा लेकिन हम अपने आप को किसी तरह से बचाए रहे, आज कम से कम आत्मसंतोष है। अनेकों अंशों में भले हम अनुपलब्धि को प्राप्त रहे हों, आत्मसंतोष में हम भले हुए हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि न्यू जनरेशन को एज अ मदर एज अ फैमिली हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो भी विवेकानंद जी के विचारों पर आगे चलें और कुछ करके दिखाएं। जीवन में किसकी इच्छाएं नहीं है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी मुट्ठी में पूरे आकाश को समेट लूं? हर व्यक्ति चाहता है कि उपलब्धि हो, हर व्यक्ति के भीतर गहरी जिज्ञासाएं हैं, इच्छाएं हैं, पूर्ति सब चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी क्वालिटेटिव प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े, कौन चाहता है कि मैं कूप मंडूक बना रहूं, कौन चाहता है कि मैं आई शुड बी एन एपिटोम ऑफ फेलियर्स, नोबडी वॉन्ट्स दैट। जब व्यक्ति सफल होना चाहता है, बहुत कुछ इन बाहों में समेटना चाहता है, तो उसे विवेकानंद के आदर्श प्राप्त करने होंगे। क्यों? क्योंकि विवेकानंद का अगर दूसरा मैं पर्यायवाची शब्द कहूं तो इट इज अ ग्रेट एक्सटेंशन टू दैट लिमिटेड सेल्फ। इस छोटे से सीमित मैं में एक बहुत बड़े विस्तार का नाम विवेकानंद है। जो विवेकानंद रूपी क्षमताओं को प्राप्त हो गया, वो चाहे किसी क्षेत्र में क्यों ना हो, फिजिक्स, बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं भी क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से सूर्य की भांति चमकेगा।
प्रोडक्टिविटी हर एक का स्वार्थ है, इसी स्वार्थ से महास्वार्थ की ओर हमें ले जाना है। अब ये माँ पर निर्भर करता है कि माँ उस बच्चे के छोटे स्वार्थ को बड़े महाअर्थ के साथ किस प्रकार जोड़ती है। खाना परोसती है तो बच्चे को ड्रेसिंग के साथ परोसती है, चाहे तो वैसे भी दलिया खिला सकती है, क्यों ड्रेसिंग करती है, पौष्टिकता के साथ कहीं ना कहीं अभिरुचियों को भी हमने प्रचंड करना है। तो एक माँ को ये ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार बच्चे की अभिरुचियों को मैं इस मार्ग की ओर मोड़ूं जिससे उसे कुछ और नहीं तो अपने ही स्व का अर्थ, तुझे जल्दी जल्दी सब याद हो जाएगा, तेरी पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगेगी, तुझे टेस्ट में बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तेरी क्लास में सब लोग क्लैपिंग करेंगे। हजारों और प्रकार के पारितोषक हैं जिन आश्वासनों से सही मार्ग की ओर मोड़ा जा सकता है। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि आज के इस युग में जो आधुनिकता की तरफ चल रहा है, हर कोई चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई पुलिस अफसर बने, या कुछ व्हाटएवर समथिंग। लेकिन क्या आज हम ये चाहेंगे कि हमारा बेटा एक सन्यासी बने? क्या इस तरफ हम उसको गाइड कराना चाहेंगे? निश्चित रूप से मनुष्य आजीविका के अधीन हो गया है। देखा जाए तो संस्कृति का महाधर्म आजीविका ही बन के रह गई है, सभी प्रकार के आदर्श उसी से जुड़े और बंधे हुए हैं। धीरे धीरे समय बदल रहा है, जब मनुष्य एक प्रकार की वेदना से प्रताड़ित होता है तो स्वतः ही बाध्य होकर के उसे मार्ग देना पड़ता है। आज भले ही भगत सिंह की प्रशंसा करने वाले सभी हो, भगत सिंह घर में चाहने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि भगत सिंह चाह करके भी भुलाया ना जा सका, और जिसे आप चाह कर भी भुला ना सकें वो आने वाले काल की संस्कृति होती है। मेरा प्रश्न था दिनेश कुमार, दिनेश जी से, कि हम किसी भी लक्ष्य को या किसी भी अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें युवा शक्ति की ज़रूरत होती है, और बिना युवा शक्ति के समर्थन के हम किसी भी अभियान को सफलता की ओर नहीं पहुंचा सकते। हम जिज्ञासा हम सबके मन में होती है कि हम उस अभियान का हिस्सा बने, पर जब हम बारी आती ही खड़े होने की तो शायद हमारे ही हाथ कप जाते हैं। और अभी जैसे हमने इसमें देखे स्क्रीन पे देखा कि विवेकानंद जी ने गरीबी देखा, उन्हें फील किया, उनके मन में काफ़ी कष्ट हुए, तो ये तो हमारे समाज ने भी देखा है, हमने भी देखा है, पर जब हमें उस तरफ हाथ बढ़ाने की बारी आती है तो हम क्यों अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं? हम मतलब उनको मतलब कैसे लोक सेवा का भाव कैसे जागृत? रामायण में आप हनुमान और अंगद से जामवंत को कम नहीं तोल सकते, यहाँ तक कि जब उसको रावण की पत्नी तक जाना पड़ा तो इस प्रकार के बहुत से वानप्रस्थियों को बीच में लाया गया था। अगर मेरी व्यक्तिगत परिभाषा इस काल इस परिवेश को देखते हुए कहें तो आज का युवा वानप्रस्थी है, क्योंकि वानप्रस्थी आज के समय में 60 वर्ष की आयु के बाद भी वानप्रस्थ आगे चला गया, एक्सटेंशन को प्राप्त हो गया, महाकाल ने कुछ परिभाषाएं बदल दी हैं। 60 वर्ष के बाद उसके शरीर में पूरी शक्ति है, 75 वर्ष तक वो अपने आप को समेटे रख सकता है। एक वानप्रस्थी ही इस काल का युवा है। जब इस काल में और किसी से आशा नहीं है, बच्चे उस युवा काल में अपनी अपनी आजीविका उपार्जन को लेकर के अगर कहीं पूरी तरह व्यस्त हैं तो 60 से 75 वर्ष का व्यक्ति अगर चाहे तो इस समाज की पूरी संस्कृति को बदल के रख सकता है। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर 60 से 75 के बीच अपना हाथ पीछे कर लेता है तो मैं मानता हूँ कहीं वो समाज के साथ अन्याय करता है। इस काल का युवा हमें निर्धारित करना होगा। बायोलॉजी शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर डिटरमिन द यूथ। ये देखना होगा कि युवा वो है जिसके पास समय भी उपलब्ध है, उसके शरीर में शक्ति भी है और मन में हुक भी है कुछ करने की, वो वानप्रस्थी है। इस पूरे भारत में अनेकों प्रकार के सीनियर सिटीजन काउंसिल्स हैं, नाना प्रकार की मांग है, क्यों नहीं इस पूरे राष्ट्र की मांग को भर देते, अपने पुरुषार्थ और अपने जौहर से क्यों नहीं जगह जगह स्थानों पर उपस्थित होकर के एक नई क्रांति को उदय करते। आज के युवा वो हैं, हर काल का युवा भिन्न हुआ है, आज का युवा जामवंत है, उसे समझना होगा। अगर ये जान लिया गया तो आपके अनेकों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर निकल जाएंगे। शायद यही वजह थी कि विवेकानंद ये कहने के बजाय कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्म की बातें या सन्यासी बनने के बारे में विचार करने के बजाय फुटबॉल खेलें तो बेहतर होगा, क्योंकि देश के युवा के शरीर में फौलाद बहेगा, स्नायु में रक्त की जगह फौलाद बहेगा, तो ही वो युवा देश का निर्माण कर पाएगा, और हमारे देश को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। और आपने बहुत सुंदर बात कही, मैं जानता हूँ ढेर सारे सवाल यहाँ पर हैं और बहुत सी बातें हैं जो इस विषय पर हो सकती हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करना होगा। एक विषय कहना चाहूंगा
कि हमारे कहा जाता है कि मनुष्य का रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए, बात उलट सी गई है। मस्तिष्क गर्म हो गया है और रक्त ठंडा हो गया। बहुत खूब। यानी मस्तिष्क को ठंडा ही रखें और रक्त को गर्म बनाए रखें, खासतौर पर युवा जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें स्वामी विवेकानंद को है। और युवा उम्र से युवा नहीं है, वो किसी भी उम्र में अगर आपके अंदर वो जोश है, वो फुर्ती है और आप वाकई में लोक सेवा, जैसा कि यहाँ से सवाल भी आया था, लोक सेवा के लिए तत्पर होते हैं तो फिर आप सच्चे युवा हैं। इस बात के साथ आज के एपिसोड को यही खत्म कर रहे हैं। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर विचार रखे उसके दो एपिसोड्स में अवेकनिंग इंडिया के। मैं आप सभी दर्शकों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप अपने लिए तालियां बजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अवेकनिंग इंडिया का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और हमेशा की तरह आपके सुझाव हम तक पहुँचाते रहें, हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। एक बार फिर ईमेल एड्रेस आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है अपने अंतःकरण में, उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है।